नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा, फैशन स्टडीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कंटिन्यूस प्लेकिट बताने जा रही हूँ। ये वन पीस प्लेकिट है और ये शर्ट की बाजू में लगाई जाती है ज़्यादातर। आइए इसको शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने स्लीव काट रखी है। इसको सबसे पहले हमें इसका सेंटर लेना है। ये पिछले हिस्से में लगती है, बाजू के बैक साइड में, और ज़्यादातर ये जेंट्स के वस्त्रों में लगाई जाती है, लेडीज़ के पेटीकोट में, बच्चों की स्कर्ट आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ये मैंने सेंटर निकाल लिया। सेंटर निकालने के बाद इसको इस प्रकार से हम हाफ़ कर लेंगे। ये देखिए, ये हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ करने के बाद इसकी जो लंबाई है, मैं 3.5 इंच लूँगी। 3 इंच से 4 इंच तक की लंबाई हम लोग रख सकते हैं इस तरह से। अब इसको काट लेंगे। ये देखना, सिर्फ पिछले हिस्से में बनेगी। ये मेरा पिछला हिस्सा है, इसको हम इस प्रकार से काट लेंगे। काटने के बाद अब आपके देखना कि इसकी जो सिलाई है, ध्यान से देखना, ये इसका पॉइंट है। यहाँ पर सिर्फ आपको बिल्कुल थोड़ा सा लेना है। और किस प्रकार से लेंगे, इस प्रकार से देखो, इस तरीके से आप निशान लगा लें। ये मेरी सीधी साइड है कपड़े की, ये मेरी उल्टी साइड है। इस प्रकार इधर से भी, ये देखिए, बिल्कुल पॉइंट बना करके हमने इस प्रकार से इसको लेना है। दोनों साइड मैंने ये निशान लगा दिया है। ये देखिए, इस प्रकार से आप निशान लगा लेंगे। अब ये मेरी प्लेकेट का कपड़ा है जो मैं प्लेकेट के अंदर लगाऊंगी। मैंने ये अलग कलर का लिया है इसलिए कि ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। और मैंने धागा भी अलग कलर का लिया है। आप लोग जब बनाएंगे तो सेम कलर का धागा और कपड़ा लेंगे। अब क्या करना है, ये मेरी उल्टी साइड है प्लेकेट की, ये सीधी साइड है कपड़े की उल्टी साइड। हम इस प्रकार से रखेंगे। देखो, ये मेरा सीधा साइड है कपड़े की, ये उल्टी साइड है प्लेकेट की। सीधी साइड और उल्टी साइड दोनों को मिलाकर इस प्रकार से रखेंगे। और ये जो है, ये अब इस प्रकार से मैं मशीन पे बैठ गई हूँ, सिलाई लगा रही हूँ। अब ये ध्यान से देखना, बिल्कुल प्लेकेट ऐसे सीधी लेनी है बिल्कुल, और इस प्रकार से तिरछी मिला देंगे। जैसे मैंने निशान लगा के दिखाया था आपको, ऐसे ही। और यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा दबाना है। दबाने के बाद इस कपड़े को आप इस प्रकार से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद इसको फिर आप सीधा रखेंगे। देखो, बिल्कुल इस प्रकार से रखते हुए, और ये तिरछी सिलाई मिला। अब ये ध्यान से देखें, मैंने ये सिलाई लगा दी है। ये देखो, यहाँ से सिर्फ मैंने थोड़ा सा कपड़ा दबाया है, और इधर से भी देखिए, इधर से बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी। उल्टी साइड से देखें, इधर से बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी। अब इसके बाद इसको प्रेस की तरह फिंगर प्रेस कर लेंगे, और अगर आप चाहो तो प्रेस भी कर सकते हो। ये देखिए, ये उल्टी साइड है। अब सीधी साइड पर हम आ जाएंगे। इसको इतना सा मोड़ करके, ये देखिए, पट्टी को इतना मोड़ेंगे और इसको इस तरह से दबाएंगे कि ये सिलाई ढक जाए। इस सिलाई के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इसके किनारे की सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। ये
देखिए इस तरह से, बस सिर्फ हमें सिलाई को ढकना है। इस तरीके से एक्स्ट्रा को काट देंगे, टुकड़े को काट देंगे। ये देखिए, ये इसकी सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों को ऐसे पकड़ेंगे इस प्रकार से। पकड़ने के बाद यहां से, इस कोने से, ये आपका कोना है, कपड़े पे कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लेकेट के कपड़े पर करना है। इस तरह से तिरछी लाइन लगा लो। तिरछा निशान लगाने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा दें। इस तरह से, और इसको पक्का कर दें। अब ये देखिए आपकी प्लेकेट बनने के बाद इस तरह से नजर आएगी। ये आपका उल्टी साइड है। एक्स्ट्रा को धागे वगैरह इनको फिनिश कर देंगे इस तरह से, और ये आपकी सीधी साइड। और इसको हम इस प्रकार से रखेंगे, देखिए इस प्रकार से रखेंगे। ये आपकी प्लेकेट बन करके तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये ज़्यादातर जेंट्स शर्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।